2504 श्रावण सुद 13 बुधवार तारीख 6/8/78 ना दिने पूज्य श्री कान्जी स्वामी श्री समयसार शास्त्र में गाथा 13 पर सुवर्ण परिमा प्रवचन श्री समयसार शास्त्र पर 19वीं वक्त ना स्वर्ण प्रवचन नंबर 59 नमो नोए सौरियंताणम नमो नोए सौदानम नमो नोए सौरायरियां नमो नोए सौजयानम नमो नोए सौ त्रिकालवती श्रावणम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयंती योगिन कामदं मोक्षदं से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मंगल नमः सुमरिस्ताराय समय सार पेर में गाथा ठीक है न? यह जीवादि नव तत्व जीवादि नव तत्व का अर्थ हो जीव की एक समय की पर्याय अजीव का ज्ञान उपर्याय आश्रव की उत्पत्ति पाप के उपर्याय बंद राग में उग जाना ये बंद पर्याय और संवर शुद्ध चैतन्य के अवलंबन से जो राग का अभाव रूप सुंदर रूप पर्याय वो भी पर्याय है और कर्म की शुद्धता होकर अंतर में शुद्धता की प्रकट होना संवर में शुद्धता जो है उससे शुद्धि की वृद्धि हो ऐसी पर्याय को निद्रा कहते हैं और राग से और सर्व से मुक्त होकर अपने में पूर्ण आनंद की पूर्ण ज्ञान की पर्याय का होना ये भी नव तत्व में एक पर्याय है। ये जीवादि नव तत्व सूक्ष्म बात है भूतार्थ नहीं से जाने हुए उसका अर्थ नव की पर्याय जो है उसकी दृष्टि छोड़कर त्रिकाली विनायक भाव जो सत्य ध्रुव चैतन्य प्रभु उसके आश्रय से ये भूतार्थ नहीं से ये त्रिकाली विनायक भाव उसकी आश्रय से उत्पन्न होना ये भूतार्थ नहीं से जाना हुआ कहने में आता है। भूतार्थ नहीं से जाने हुए नव तत्व में पर्याय का भेद है उसको लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली विनायक भाव ध्रुव है भूतार सत्य पदार्थ है परिपूर्ण आनंद ने परिपूर्ण इंद्रिय ज्ञान से भरा प्रभु ये नव तत्व में कभी एक पर्याय में आया नहीं। ऐसा जो भूतार्थ नाम तिकाली विनायक शुद्ध चैतन उसकी नई से इतने उसकी दृष्टि से जाने हुए सम्यक दर्शन है। नव की पर्याय में से लक्ष्य छोड़कर तिकाली विनायक भाव का लक्ष्य करके उत्पन्न होता है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। धनानंद जी धर्म की पहली सीढ़ी धर्म की पहली शुरुआत कहां से होती है? बाकी पुण्य में दया दान व्रत आदि विकल्प हो वो कोई धर्म नहीं। वो कोई सम्यक दर्शन नहीं
और उस सम्यक दर्शन का एक कारण भी नहीं है। नव तत्व की पर्याय जो है जीव की, एक समय की पर्याय को जीव तत्व नहीं आया, नव नहीं निभाया। समझ में आया? इन नव पर्याय की युक्ता से पर्याय में होता है, पर उसमें से नव प्रकार की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली चैतन्य भगवान भूतार्थ सत्व पदार्थ ध्रुव उसके नई से देखने से सम्यक दर्शन होता है। ऐसा होने पर भी सम्यक दर्शन की पर्याय में त्रिकाली भाव आता नहीं। क्या क्या यूरेंज है समझ में आया? नवनी व्याख्या पीछे करेगा अभी, पर उसमें से पर्याय ऊपर का लक्ष्य, भेद ऊपर का लक्ष्य छोड़कर, भेद है मोक्ष की पर्याय भी है, संवर निद्रा की पर्याय भी है, नव में कितना अशुद्ध पर्याय है न कितनी शुद्ध है। उन्होंने पाप आश्रम बंध वो अशुद्ध है और संवर निद्रा शुद्ध नी अपूर्णता है और मोक्ष नी पर्याय शुद्ध नी पूर्णता है, पर वो सब पर्याय है। उसमें से भूतार्थ विनायक प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का कंद ध्रुव चैतन्य प्रभु जो कभी आश्रम की यानी बंध की पर्याय में तो आया नहीं, पर वो संबर इंद्रा ने मुख की पर्याय भी कभी विनायक आता नहीं। सतह उसका दृष्टि करने से पर्याय में सम्यक दर्शन होता है, तो इस सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली ही उसकी श्रद्धा होती है और वर्तमान ज्ञान में त्रिकाली चीज का ज्ञान होता है। सतह ज्ञान की पर्याय में और श्रद्धा की पर्याय में ये त्रिकाली द्रव आता नहीं। सूक्ष्म विषय है, गाथा जैसी आ गई नहीं। जीवादि नव भूतार्थ नहीं से जाने हुए, सारा एक रूप चीज जो ध्रुव सदृश सामान्य एक अखंड त्रिकाली निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय चीज जो है ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष प्रतिभा होता है। ऐसी जो त्रिकाली चीज अविनश्वर कभी नाशवान होता नहीं, पर्याय के नाशवान में अविनाशी कभी आता नहीं, ऐसा परम परिणामिक भाव, परम परिणामिक भाव लक्षण, ऐसा सहज परमात्म तत्व जो वहां भूतार्थ कहने में आया हूं, ये सहज परमात्म तत्व ये मैं हूं। समझ में आया? क्या किया?
पर्याय में द्रव्य तो भिन्न ही है, पर्याय में द्रव्य आता नहीं, पर पर्याय सम्यक दर्शन की पर्याय में द्रव्य आता नहीं, पर द्रव्य की जितनी ताकत है इतना सामर्थ्य की प्रतीति होती है। सामान जो त्रिकाली वस्तु है उसकी प्रतीति में उसका पूर्ण सामर्थ्य आता है, वो चीज नहीं आती है। आया तो अपूर्व की बात है, अनंत काल में किया नहीं, वर्तमान में तो गड़बड़ ऐसी हो गई है, व्रत करो अपा करो पड़ी मा धारण करो, उसे धर्म हो जाएगा। सेठ अगर सेठियों ने बाहर में प्रवृत्ति करे एम धर्म हो जाएगा, जान उसमें तो राग मंद होता हो तो पुण्य है, अने पुण्य आत्मा नहीं, उनका परिणाम नी समीप में अंतर जी समीप में ध्रुव चैतन्य पड़ा है। अरे संवर जरा नहीं पर्याय नहीं, एक समय के पर्याय में समीप में जो ध्रुव पड़ा है उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। आम से प्रभु तेरी प्रभुता नो पार्वती नाथ, नहीं मिलती भाई बापू सुनता है। अरे परमात्मा ना विरह पिया भर क्षेत्र में सर्वज्ञ परमात्मा रहा नहीं, और सर्वज्ञ की पर्याय उत्पन्न होने के लायक जीव रहा नहीं। एक काल में प्रभु सम्यक दर्शन क्या चीज है और उसका विषय क्या है, ये अलौकिक बात है प्रभु का। यहां तो कहते हैं कि नव तत्व की पर्याय में नव भेद है, पर उसमें से ही किला आत्मा टिकाली, वर्तमान पर्याय को भरी लक्ष्मी में जो है ये पर्याय को अंतर लक्ष्मी करने से भूतार जाम टिकाली भगवान आत्मा दृष्टि में श्रद्धा में ज्ञान में आता है, ये दृष्टि को सम्यक दर्शन कहने में आता है। है जीवादि नव तत्व पर्याय वेद भूतार्थ नहीं से उसमें से एक रूप टिकाली को देखने से सम्यक दर्शन होता है, ये सम्यक दर्शन ये है, एम शब्द पड़ा है संस्कृत में, सम्यक दर्शन ज है, दूसरा सम्यक दर्शन है ही नहीं। समझ में आया, नव तत्व का भेद की श्रद्धा ये सम्यक दर्शन है ही नहीं। और नव तत्व में संवर निद्रा जो है ये निश्चय से है तो उसको परद्रव्य कहने में आया है, नियम सार में पर्याय है उसकी निर्मल, ये स्वद्रव्य नहीं, स्वद्रव्य तो उसे बिन अखंड आनंद प्रभु है। ज्ञानचंद जी आज पंडित जी को बुखार आया है, कुछ नहीं आया नहीं, कुछ बुखार आया है, प्रभु तो कितना है अंदर। ये
हर वक्त देखो हमारा आकाश का बिंब संदेह है, आकाश का अंत कहाँ आया। लक्ष्मी लो विचार में कि आकाश 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 लोक पूरा हो गया, पीछे अलोक में भी आकाश तो है, ये आकाश कहाँ पूरा हुआ। है अंत ज्ञात ही ज्ञात, ये क्षेत्र का भी स्वभाव या लक्ष्य में आने का महामुश्किल रास्ता का पीछे 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 अनंत 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 जोजन चले जाओ हमने लक्ष्य में तो भी कहीं अंत नहीं प्रभु। ऐसा जो आकाश उसका जो प्रदेश अनंत, हाँ हाँ, उससे भी भगवान आत्मा में अनंत गुणा गुण है। आये स्मृति से समझ में आया, क्षेत्र में तो असंख्य प्रदेश ही शरीर प्रमाण है उसका, पर उसकी संख्या जो गुण की है प्रभु गजब बात है नाथ। ज्ञान दर्शन चरित्र आनंद अस्तित्व वस्तु करते 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 अनंत 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 न छिल्लो आद गुण है, ऐसा कोई है नहीं। क्या चीज है ऐसा जो अनंत 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 गुण की संख्या का एक रूप, ये भूतार्थ है। जिसमें गुण गुणी का भी भेद नहीं, समझ में आया, नव तत्व की पर्याय का भी भेद जिसकी दृष्टि में नहीं, और अनंत 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 गुण है ना गुण का धन्य वाला गुणी है, ऐसा भेद भी जिसमें नहीं है, ये सम्यक दर्शन का विषय बता सत्यकाओ। उसकी दृष्टि से सम्यक दर्शन ही होता है। है यह नियम कहा, ये वस्तु का नियम कहा। आया शब्दों कहीं कथा वार्ता नहीं, हाँ तो भगवत स्वरूप की कथा है। क्यों के तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, तीर्थ की प्रवृत्ति का अर्थ व्यवहार नहीं से तीर्थ उत्पन्न होता है ऐसा यहाँ नहीं, पर जो चौथों पांचवों छठों गुणस्थान आदि होता है ये पर्याय है, वो तीर्थ स्वरूप है। ये तीर्थ कोई प्रवृत्ति के लिए पर्याय ना भेद हो है, ये तीर्थ नाम दर्शन ज्ञान चारित्र ना उच्ची अधिक पर्याय का भेद, ये प्रवृत्ति ने माटी लिए अभूतार नहीं से कहा जाता है। नौ क्योंकि पर्याय न हो तो धर्म ही नहीं, पर्याय न हो तो संवर्धन मुख भी नहीं। ये वेदना पर्याय तीर्थ नहीं प्रवृत्ति नर्थ है, उससे तीर्थ उत्पन्न होता है ऐसा है या नहीं,
पर्याय में से तीर्थ उत्पन्न होता है ऐसा नहीं, ये पर्याय पोते तीर्थ रूप है। वीर समझ में आया? चौथों गुण स्थान, क्योंकि चौथ गुण स्थान ये दृश्य में है नहीं, चौथ गुण स्थान ये तीर्थ नाम पर्याय ना भेद में है, तो भेद में है ये बताने को तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए उसके नाम पर्याय का परिणमन का ज्ञान कराने के लिए उसमें से ऐसा निकलते हैं। व्यवहार नहीं तीर्थ प्रवृत्ति ना होता है, व्यवहार नहीं होता है, ऐसा यहाँ है नहीं। यहाँ तो पर्याय में प्रवृत्ति जो है ये भेद की प्रवृत्ति है, ये तीर्थ की नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उच्चावर्ती दशा का प्रवर्तन है, उसको यहाँ तीर्थ की प्रवर्तन कहने में आता है। सूक्ष्म विषय है भाई, यानी कभी नीलना पत्ता लिया नहीं। एक समय की पर्याय के पीछे सारा ध्रुव तड़ में तड़िया पाता पड़ा है अंदर। पाता और कुआ होता है ना, ऐसे एक समय के नव की पर्याय के पीछे पाताल को आनी बैठे महाध्रुव ध्रुव ध्रुव उसका आश्रय लेने से सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि नव कहा क्यों कि पर्याय में नव भेद है, व्यवहार नहीं का विषय चौथों गुण स्थान पांचवो छठों सातवों अरे तेरमो ये सब व्यवहार नहीं का विषय है। समझ में आया? पर्याय का भेद ये व्यवहार नहीं का विषय है, यानी तीर्थ उसमें आता है चौथों पांचों छठों सातवों से सिद्ध। ये तीर्थ में प्रवृत्ति मां प्रणमन मां ऐसा होता है ये बताने को अभूतार्थ नहीं, इसमें व्यवहार नहीं से नव तत्व का अरे यानी बात तो जो तुम हेमा समय साहब हेमा कौन कौन आचार्य ने वाणी अने अमृतचंद्र आचार्य संत एना टीका करना केवड़ी ना केड़ा है तो छे एने यहाँ के छे प्रभु एक बार सुन तो सही नाथ भगवान एम करीने बोलावे छे आचार्य सामर को भगवान करी के बोला प्रभु एम कहते हैं। तेरी प्रभुता में भगवत स्वरूप जो अंदर पड़ा है इसी तिकाली स्वरूप जो भगवत स्वरूप है भग नाम अनंत आनंद ज्ञान आदि वान स्वरूप है भगवंत भगवान स्वरूप तेरा त्रिकाली जैन स्वरूप है कहा ने घट घट यंत्र जिन बसे घट घट यंत्र जैन मत मदिरा के पान सो मत वाला समझे न अपना अभिप्राय में पागल हुआ अपना मत मदिरा मत रूपी मदिरा दारू पिया है ते जिन स्वरूप त्रिकाल है उसको ही जानते नहीं बस पर्याय में हम है ऐसा में हो है मत वाला अपना मिथ्या अभिप्राय से त्रिकाली जिन स्वरूप क्या चीज है ये जानते नहीं। समझ में आया? ये त्रिकाली जिन स्वरूप है ये भूतात है
नए मार्ग कोई अलौकिक है, ये धर्म नहीं प्रवृत्ति के अर्थ है, अर्थात पर्याय में प्रणति के समझाने के अर्थ है। पर्याय में प्रणति होती है, ये पर्याय उसको समझाने के कारण ये तीर्थ नहीं प्रवृत्ति पर्याय। समझ में आया हमें है ना पुस्तक? भूतार्थ नहीं से कहा जाता है, ये व्यवहार नहीं से कहने में आया। नौ प्रकारों का पर्याय, मोक्ष भी व्यवहार नहीं से कहने में आया, पर्याय है ना। मोक्ष का मार्ग जो समझ रहा है, ये भी व्यवहार नहीं से कहने में आया है। हा हा एक नहीं उसमें ही कह ना, परिणति की पर्याय में परिणति होती है, उसको बताने को व्यवहार नहीं से नव तत्व का। धर्म की पर्याय है ये तीर्थ की प्रवृत्ति, उससे तीर्थ होता नहीं, प्रवृत्ति उससे व्यवहार नहीं से तीर्थ प्रकट होता है, ये प्रश्न है नहीं। यहाँ तो पर्याय की प्रवृत्ति होती है, ये तीर्थ की प्रवृत्ति। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चौथी पांचवें छठे सातवें आठवें नौवां आदि ये पर्याय होती है, पर्याय की प्रवृत्ति तीर्थ की प्रवृत्ति। ये धर्म पर्याय से होता है ना पर्याय के आश्रय, ये प्रश्न आये है नहीं। समझ में आया? यही बात से आप पंडितों ने पानी उतरी जाए मुझे मत। देवचंद जी केवल ज्ञान की पर्याय भी पर्याय है, तो ये पर्याय की प्रवृत्ति होती है बताने को नव तत्व बताया है। समझ में आया है? बात है, उसका जो अर्थ है ऐसा करते उदार्थ करते फिर दिया सब। प्रभु वितरक का मार्ग भाई, क्योंकि वस्तु जो तिकारी वस्तु है, जो सम्यक दर्शन का विषय है, उसमें तो गुणस्थान सौदी नहीं। ज्ञानचंद जी उसमें तो गुणस्थान ही नहीं, उसमें तो मोक्ष भी नहीं। ये तो त्रिकाली स्वरूप है, तो मुक्त स्वरूप ही है, मुक्त पर्याय होती है दूसरी चीज। ये वस्तु है ये तो मुक्त स्वरूप ही टिकाव है, जीन स्वरूप को हो मुक्त स्वरूप को हो। समझ में आया? अभी आया है ना जापान में से, नहीं जापानी मानस एक ऐतिहासिक शोधक है, बड़ा बहुत शोधक, बहुत शोधक किया, 63 वर्ष की उम्र है जापानी मानस, और उसका लड़का 70 वर्ष की उम्र है। तो उसने सारा इतिहास शोध कर जैन धर्म क्या ही शोधा, बहुत आया है ये, आया देखा देखा कि नहीं? कुछ ही दिन हेमराज पीछे लिखो देखने के लिए, वो कहते हैं पूरा स्वरूप तो क्या महान, पर उसको ऐसा लिया कि जैन धर्म अनुभूति स्वरूप है। वो शोधक के जापानी परदेशी, पर शास्त्र कर करते 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 शास्त्र सूर्य बहुत हजार, तो जैन धर्म क्या
कि अनुभूति स्वरूप भी जैन धर्म है। कोई राग की क्रिया दयादान व्रत भक्ति का ये जैन धर्म नहीं। सेठ जापानी मानस है, बहुत ऐतिहासिक है। आत्मत्व तो आत्मत्व की को खबर उसके है ही नहीं। आ तो हजी जैन ना अंदर मारे गला ने भान नहीं तो उसको बेचारा वन शोध कर इतना निकाला है। दो बुर हम निकाले उसमें से कि जैन धर्म कहा के अनुभूति जो तिकाली चीज का अनुभूति तो परिया अनुभूति परिया है न त्रिकाल ही तो इतना बजा तो पहुंच सके नहीं हो जाता। रिलायती है ना जापानी एक बात। दूसरी बात उसमें लिखा है कि आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है ऐसा लिखा है। तो अपने उसको कहते हैं ये मुक्त स्वरूप ही है। जो मुक्त स्वरूप न हो तो पर्याय में मुक्त स्वरूप की पर्याय ऐसे कहां से आएगी। तो वो भी हम कहते हैं शिवचंद जी ये दिखा ना क्या है नहीं बच्चा हमारा जो हेमराज जी को लिया है वाचना ही वाचने लायक है थोड़ा। अनुभूति और पीछे ये और निर्वाण एक है। निर्वाण स्वरूप ये अनुभूति स्वरूप है। पर्याय लिया पर्याय कहने तो खबर तो हो निश्चय से वो तो आत्मा अनुभूति स्वरूप ही है। त्रिकाल क्या किया तौतेर गाथा करता क्रम तौतेर गाथा में पर्याय में जो षटकार का परिणाम होता है उससे अनुभूति भगवान भिन्न है ऐसा बताया है। ये अनुभूति यहाँ उसने बताना है तो अनुभूति पर्याय बताना है पर वस्तु अनुभूति स्वरूप ही टिकाव है। अरे आई बात ये अनुभूति त्रिकाल पौतिर गाथ में का है कर्ता कर्म में अनुभूति त्रिकाल से अनुभूति है। और दूसरा क्या भी लिया है भाई नहीं राम वो प्रवचन सार आज्ञा देते हैं ना स्त्री पास है चरणानुयोग अधिकार नहीं आया स्त्री पास आज्ञा देते हैं कि स्त्री आ शरीर ने रमड़नारी मेरा आत्मा को रमड़नार तो नहीं हे स्त्री मेरे को रजा दे मैं मेरी अनाड़ी अनुभूति पास जाना चाहता हूँ। प्रवचन था चरणानुयोग में है। इतनी बड़ी तो लोगों ने सूदी में प्राप्त करेंगे इतना थोड़ा लिया हा तो अलौकिक बात हूँ बापरा जैन ना पंडितों ने हजी खबर पड़ती नहीं क्या। ये अनुभूति स्वरूप ज भगवान है पर्याय नहीं। ये त्रिकाली अनुभूति स्वरूप है तो उसके आश्रय से पर्याय अनुभूति होती है। ये मुक्त स्वरूप ही है भगवान मुक्त स्वरूप अब मोक्ष पर्याय नहीं। त्रिकाली द्रव्य मुक्त स्वरूप कलश में आता है कलश में समय सार में कलश में आता है सही मुक्त सही श्लोक श्लोक आए थे ना पाठों से मुक्त ये वर्ष अमृतचंद्राचार्य का कलश है बधी यादगिरी की रहती है भाई हमारा इतना कहीं क्षोभ समीकरण नहीं है भाव याद है कहान क्या पाठ है मुक्त ही वे हा बग रहे श्लोक है पाचम समय सार में तो उसने कहा कि आत्मा निर्वाण स्वरूप है। उसका अर्थ है एक सौ अठान कवच है अठारह गाथा
हाँ एक सौ अठान शुद्ध सवाल ये तो सही मुता ही बहुत 198 कवच 198 है सही मुक्त ही वो आखिर का शब्द है भगवान आत्मा मुक्त ही वो मुक्ति पर्याय की बात आ नहीं भगवान बीजी भाषा ही कहिए तो जी 14 15 गाथा में अब स्पष्ट क्या है 14 15 गाथा अबध स्पष्ट पसई ये कोई आत्मा ने अबध प्रश्न देखा है तो जैन शासन भी कहते हैं उसका अर्थ अबध कहो कि मुक्त कहो बद से रहित कहो कि मुक्त कहो ये मुक्त स्वरूप को जी अंतर में देखते हैं शुद्ध उपयोग से ये शुद्ध उपयोग जैन शासन है ये व्यवहार रत्नतरी का विकल्प उठते हैं वो जैन शासन नहीं देवचंद जी हरी बात से भाई सही मुक्त होता हूँ उससे निराम दिखाएगा पर इतनी बड़ी कहीं खबर हो पाप समझ में आया भगवान आत्मा जी आई भूतार्थ कहा वो मुक्त स्वरूप है समझ में आया ये मुक्त स्वरूप के लक्ष्य से उसका शुद्ध नहीं के आश्रय से हैं ये त्रिकाल भूतार्थ के मुक्त स्वरूप के आश्रय से हैं सम्यक दर्शन होता है हजी तो पहली दिशा हजी पंचम ने छठा घूमता नहीं बात हूँ बापा ये तो कोई अलौकिक बात है अरे रे जन्म मरण करी ने प्रभु तुम थाक्यो नहीं स्वराश न होता चौराशी लाख योनि में एक एक योनि में अनंत अवतार किया प्रभु तू थाक तेरे में लाइया ये थाक उतारने का स्थान तो प्रभु मुक्त सो विश्राम स्थान ही है ये भूतार जो कहा वो विश्राम स्थान है ये भूतार को भूतार मुक्त मुक्त को एक ही बात है तो सत्व पदार्थ है तिखाड़ी ये मुक्त स्वरूप ही है राग का संबंध बिना की चीज है खरेखर तो पर्याय का संबंध बिना नहीं वो चीज है बापू बाढ़ गुरु भाई एमा जैन दर्शन एमा दिगंबर दर्शन पर्याय बिना की चीज ये मुक्त स्वरूप में भूतार्थ कहा उसको कबूल करते हैं पर्याय सम्यक दर्शन ही पर्याय है ध्रुव को भूतार्थ को निर्णय करती है पर्याय पर वो पर्याय का सम्यक दर्शन की पर्याय सम्यक दर्शन का विषय नहीं सम्यक दर्शन की पर्याय तो नव तत्व में जाता है फिर नहीं भाई आऊ सबसे प्रभुता हूं तो कौन सुंदर आ दे तो माटी नो पीण लो बापू जड़ है अंदर में पुनने पाप के नाम विकल्प उठता है ये सब मैन ने अचेतन ने जड़ है ये जड़ में वरण गंधर स्पर्श नहीं हमें जड़ में वरण गंधर स्पर्श है खून पाप जड़ है तो वरण गंधर स्पर्श नहीं पण है अचेतन चेतन स्वरूप जो है उसका किरण पुण पाप में आता नहीं ये तो कहने नब्बे से सुख बेचारा कहने जामे जितनी बुद्धि है इतनो दिए बताए वहां को बुढ़ो न मानिए
और कहां से लाए, एनो गुरु न कह बेचारा इन्हें, एना पर करुणा करिया रे रे। आज तो साबिलों करे राती भाई मनोहरलाल जी ने कोई गले गलत है बीबी तो एम कहते केम के मैं अपने सुना था ऐसा कि हाल फैल हो गया पर के मरता जीप निकल गई, जीप बाहर पड़ी थी। हा हा गले कोई टूक देगी तो ओ हो, क्योंकि उसके पैसा रहते ऐसे कोई पास नहीं, 5 लाख रुपया था तो कोई व्यक्ति पास 2.5 लाख नहीं है। पैसा बहुत करते थे ना, सेठ पुस्तक बना रहे पैसा, अरे काम है तेरा बापा, अरे पैसा मांगना करना सेठ बेचना प्रभु तेरा काम नहीं देता, पर पढ़ते थे पैसा बहुत लिया। ऐसा सुना लवानंद जी का आज जीभ निकल गई भाई, वाह कोई बोला 2.5 लाख नाम में कोई पाई मांगता है पैसा है उसका, तो बड़ा मानसो भेजा थे नहीं ऐसे कहा क्या कोई मोटा मोटा भेजा थे कि तुम इसी में रहो। गांधी स्वामी क्यों एक ठिकाने रहने बधे प्रचार करते हैं, तुम एक स्थान में रहो। ऐसा सुना है सच्चा बच्चा उनको खबर नहीं, तो उसने कहा कि मेरे 1 महीने में 10,000 रुपया दियो तुम शास्त्र छपाने को, तुम्हें सुना है बात सच्ची खोटी कहीं उनको खबर नहीं। अरे पर भाई पैसा क्या काम है तेरे भाई का, पुस्तक बनाना ये पर तेरा काम है, अरे वेचना उसको प्रभु ये क्या काम है, कोई पास एक भाई पर मांगना ये आत्मा का कार्य नहीं प्रभु। अरे अरे ग्राह तो सांभी नहीं वो बेचार थी, अरे अरे ने कोई मारदार मरियो शिकुंदा पेट पूरू थी कोई 4:30 बजे तो बैठे थे कहीं न तो बैठे थे एवं एकदम पाव अर्धा कलाक पीछे देखे थे। हा कोई भारी नहीं है लगे गले आ दिशा दूर हम बात नहीं, ये भी तो अनंत वार दिशा हो गई प्रभु तेरी राजी पाप पर मैं कहां आया, बाहर की चीज की चमत्कार देखकर तेरे विस्मय होता है कि मां ब्रह्म ये मिथ्या है, अंदर चमत्कारिक वस्तु पड़ी है महाप्रभु ने चैतन्य चमत्कार। एक तो बात ऐसी है कि चैतन्य चमत्कार नी गुण की संख्या का अंत नहीं क्या है, आ क्या कहते हैं क्षेत्र में तो इतना ही है शरीर प्रमाण बिन, पर वो संख्या जी गुण की है ये अनंत 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 ने अनंत गुणा वर्ग करो तो भी संख्या का अंत नहीं, ऐसा अंदर में गुण है क्या कहते हैं। भाई तो मैं खबर नहीं सारी चीज में प्रभु ये पण ऐसा कहा कि जहां क्षेत्र का अंत नहीं उसका ज्ञान करने वाली पर्याय ये पर्याय से पीछे जो ज्ञान गुण है इसकी कितनी ताकत है, ऐसा ऐसा अनंत गुण जो है ये गुण की अनंत गणते 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 आखिर का अंत धर्म गुण है, ऐसा कभी होता नहीं क्या कहते समझ में आया। प्रभु तारी पाताल कुआ में पड़ा है अनंत गुण, ये अनंत गुण की कोई संख्या के अनंत अनंत हो रहा है, अनंत ने अनंत गुणा गुण है तो भी आज छिल्ला आखिर का गुण है ऐसा उसमें है नहीं, क्या किया समझ में आया। पंडित जी
ऐसा अमाप माफ कर देते हैं, ज्ञान की पर्याय इसका माफ कर लेते हैं, पर उसका संख्या की माफ है नहीं है। क्या किया वो ज्ञान की पर्याय माप प्रमाण को माप को प्रमाण माप तो तिकाड़ी इतना गुण है उसका माप ले लेते पर्याय अनंत का अनंतपणा का माप ले लेते हैं। अरे यह वहां चाले नहीं मूल वात चाले नहीं ऊपर थी बड़ी वात तुम थोते थो था जन्म मरण ना अंत ना आवे प्रभु मां ये लकड़ी मरवाना रस्ता है सबका शुभ भाव पर संसार है प्रभु ये दया दान व्रत भक्ति पूजा का विकल्प है राग है दुख है दुख है वो पर्याय में आता है बताया संवरण जा होती है भी बताया उसमें से एक ही लात्रिका है प्रभु भूतार्थ में से जाने हुए उसका नाम सन्नक दर्शन है। जी उसका ज्ञान की भी ज्ञान भी सच्चा नहीं व्यवहारू ज्ञान तो अंदर में से कैसे जा सकते हैं महासत्य प्रभु जैसा ज्ञान में भी सच्चा नहीं क्योंकि राग से रहित में हूं राग से मेरे में होता ही नहीं मेरी चीज तो अंदर भिन्न है मेरी चीज प्राप्त करने में राग आदि की अपेक्षा है ही नहीं व्यवहार की अपेक्षा है ही नहीं ऐसा ज्ञान में भी परलक्षी ज्ञान में भी सच्चा प्रणाम आवे कि अंदर सच में जा सके समझ में आया महाराज प्रभु तो सर्वज्ञ ना वीरपुरा प्रभु अरे त्रिलोक नाथ तो हम कहते हैं क्या सिमंदर भगवान महावीर ने तो आ कहते थे ये सुनकर आया ना कहते हैं सुन हैं भाई सन्यक दर्शन कोई ये चीज है ये बिना सारा ज्ञान ने रप्त बदा निष्फल संसार ना निष्फल धर्म ने माटी निष्फल रखड़वा माटी सफल है ये अंका तीर्थ नहीं प्रवृत्ति नाम पर्याय नहीं परिणति ने बताने को ये तीर्थ ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि चौथी पांचों चतुर्थात् आदि पर्याय नहीं प्रवृत्ति है ये व्यवहार नहीं से कहा जाता है प्रवृत्ति जो पर्याय के है ये व्यवहार नहीं से कहने में आता है कितनी गंभीर पड़ा है ऐसे व्यवहार नहीं से कहा जाता ऐसे नव तत्व जिनका लक्षण जीव आ जीव नहीं है तनु पर्याय लेना एक समय की पर्याय अजीव अजीव रूपे तो प्रणते नहीं जीव पर अजीव का ज्ञान होता है ना उसको यहां अजीव का ज्ञान को अजीव कहने में आया समझ में आया आई बात से प्रभु मार भाई हाँ अजीव रूप नहीं होता है पर अजीव का ज्ञान है ज्ञान को यहां अजीव कहते हैं नव तो प्रणिमायम कहते हैं ना जड़ रूप पुणते है समझ में आया पर अजीव का ज्ञान हुआ उसको अजीव कहने में आया प्रेम है जीव जीव कुन शुभ रूपे प्रणता है ये भी खुलासा करेगा पाप हिंसा दुख चोरी विषय भोग आत्मा
पाप की पर्याय के प्रमुख आए। आश्रम दो मिलकर आश्रम, पुण्य ने पाप दो मिलकर आश्रम, क्योंकि दो आश्रय है जिससे नया कर्म आता है, धर्म तो होता नहीं। दया दान व्रत तप भक्ति मास मास खबरना अपवास ये सब विकल्प है, ये आश्रम है। बात से प्रभु ये आश्रम से तो बंद होता है, हम पर्याय होती है, पर्याय में आश्रम है बताना है ना, नव आश्रम संवर अशुद्ध पर्याय है, पर्याय में शुद्ध पर्याय है, वो व्यवहार नहीं का विषय है, पर्याय है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय स्व के आश्रय से हुई, ये समर्पण व्यवहार नहीं का विषय है, पर्याय है ना। प्रभु तारी जो तो खरी बलियारी, ये पर्याय से पार तेरी चीज अंदर है। अरे रे जेने सुनने में मिले नहीं आवाज, ये बेचारा कहा विचार करे कहा जाए। अरे रे अने विपरीत मानता में भले एकांत मोटे करे, तुम प्रभु ये मिथ्या का फल बुरा आकरा है प्रभु नाथ। मिथ्या का फल में तो नरक निगूल है, अरे रे एनो तिरस्कार क्यों करा है, समझ में आया। जीत मिथ्या सेवते हैं और सम्यक चीज को एकांत कहते हैं तो ये मिथ्या का फल में मां दुख होगा भाई, तो ये जीव को दुख होगा, इसको तिरस्कार क्यों करे प्रभु, ये तो जानने लायक है इसे होता है। जगत कोई विरोध करना ऐसा है नहीं, और ये व्यक्ति प्रति वैर करना भगवान है, ये पूर्ण वस्तु है तो भगवान है, एक समय की भूल है तो भगवान भूल टालेगा आपने, समझ में आया। कोई व्यक्ति को विरोध कैसे देखना, सर्वात्मा भगवान है। ये यहाँ कहते हैं संवर के पर्याय उत्तम निर्मल शुद्ध हो, पर है पर्याय ने है तो व्यवहार नहीं का विषय हुआ। निर्भरा संवर में अशुद्धि वो पुण पापी अशुद्ध मलिन, अने संवर में शुद्धि है पवित्रता, और निर्द्रा में शुद्धि की वृद्धि है, पण है प्रपर्याय है। और मोक्ष बंध राग में रुकना वो बंद है, ये पण एक पर्याय है। कर्म का मन के एक उद्योग रखो, मोक्ष ये भी एक पर्याय है। जीव द्रव का दो भेद पाड़ना, संसार ने मोक्ष वो व्यवहार हो गया। टिकारी ज्ञाय भाव भगवान ये निश्चय हुआ, न उसका संसार ने मोक्ष दो भेद भाग पाड़ना व्यवहार नहीं हो गया। समझा एट समझना प्रभु, आ तो परमात्मा घर की बात है प्रभु। हाँ त्रिलोकनाथ ऐसा कहा, ऐसा संत आड़तिया होकर बताते हैं। मार्ग तो ऐसा है प्रभु, तुम कहीं कहीं बाहर में विस्मयता मानकर रुक गया है, रू तेरा बार बार खुला नहीं किया तेने। राग
का प्रेम से राग का रस है, ये अंतर में निराग अरागी स्वभाव में नहीं जा सकते हैं। समझ में आया? यहां तो मोक्ष की पर्याय का जिसको लक्ष्य है वो भी व्यवहार का लक्ष्य है। मोक्ष है इनमें एक तो प्रकट करने वाले। हाँ हाँ पापा समझ मोक्ष पर्याय ये तो अनेकपणा हुआ उसमें से एक पुण प्रकट करने वाला विकारी विनायक भाव पर दृष्टि करने से। हाँ 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 ये कत प्रकट करने भूतार नहीं से विकारी विनायक भाव करे दृष्टि से एकत्व प्राप्त करके एकत्व प्राप्त करके अनेकपणा की पर्याय में से निकल कर एकत्व तिकारी न्याय भाव में एकत्व प्राप्त करके। आ हा हा आवी बात से हे सभा में समाज ने कि आ मार बाप मार पड़ा है। समझ में आया? चौथो वार हो पांचवा तो पंचमाराणा जीवने तो कहते हैं पंचमाराणा तो शब्द है पंचमारा आचार साधु है पंचमारा में जीव को कहते हैं कि कोई ऐसे के बातों छोटा रखी बात है। भगवान एम नहीं है नाथ तेरी चीज की महिमा कुछ काल लागू नहीं पड़ता। समझ में आया? और तेरी चीज की महिमा में काल कोई रुक सकते नहीं। यहाँ कहते हैं कि नौ प्रकार की पर्यायों में जो अनेकपणा है व्यवहार नहीं का विषय उसको छोड़कर एकत्व प्रकट करने वाले उतार नहीं एक रूप प्रकट करने वाला त्रिकाली को देखने से एक रूप प्रकट होता है। शुद्ध नई रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति इस शुद्ध नई से स्थापित त्रिकाली के आश्रय से जो व्यक्तित्व हुआ ऐसी जो आत्मा की अनुभूति। ये आत्मा की अनुभूति की आनंद की पर्याय अनुभूति आई उसमें। टीका का नाम आत्मख्याति है। टीका का नाम आत्मख्याति आत्मा की प्रसिद्धि तो ये लिया देखो जिसका लक्षण। शुद्ध नई से नव तत्व आत्मा की अनुभूति शुद्ध नई रूप से स्थापित। आत्मा की अनुभूति वका त्रिकाल का आश्रय करके जो अनुभूति हुई जिसका लक्षण आत्मख्याति है देखो आत्म प्रसिद्ध हुआ। ये राग की एकता में अप्रसिद्ध था दया दान विकल्पना प्रेम नमा ये आत्मा अप्रसिद्ध था। जंग गया था ये अंदर में राग से अन्य पर्याय से भिन्न करके अपने आत्मा को जहां दिखा जाना माना तो ये जो शक्ति थी ये पर्याय में व्यक्तपणे प्रसिद्ध हुआ कि मैं तो अशुद्ध हूं। प्रसिद्ध होता है। समझ में आया? पहले समझदार कहा पर्याय पर लक्ष्य छोड़ाने को पर उसके आश्रय से समझदार जो हुई है प्रदुति है। समझ में आया? पहले जो कहा तो उसको नव तो भेद है उसका आश्रय छोड़ाया। समझ में आया? पर आत्मा का आश्रय दिया तो अनुभूति जो हुई इस संबंध में जरा स्वरूप है।
हाँ हाँ आया ये आत्मख्याति है, यह प्राप्त होती है। ये सूर्य नहीं से नव तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति हुए, इस हेतु से यह नियम कहा। विशेष का नव प्रकार है।